हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर का वक्त हो चुका है, 12 बज गए हैं और अभी जस्ट चलती हूँ खाना बनाने के लिए। लाइट का वेट कर रही थी ना, आज सुबह से लाइट नहीं है, तो सोच रही थी कि प्याज अदरक लहसुन सबका मैं पेस्ट रेडी कर लेती हूँ, पर अभी फ़िलहाल तो लाइट है नहीं। तो चलती हूँ, अदरक लहसुन को मतलब कूट के और उसका पेस्ट रेडी करूँगी, साथ ही साथ प्याज को बारीक बारीक कट कर लूँगी। बहुत वेट किया नहीं तो, क्योंकि अभी राजमा बनने में ना टाइम भी लगता है, तो उसको अभी रखूँगी बॉयल करने के लिए। अभी मैंने नहीं रखा है, सुबह ही मैंने थोड़ा सा ना उबाल के और फिर रख दिया ताकि ना अच्छे से फूल जाए। और जो इस बार मैं राजमा लेके आई ना, बहुत जल्दी फूल जाता है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपके पास टाइम नहीं है तो 2-3 घंटे के लिए रख दो, उतने में भी वो अच्छे से भीग जाता है। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, गर्मी बहुत है। और साथ में राजमा के साथ में ना उसमें मैं जो काली वाली दाल होती ना, उड़द की बिना पिसी हुई, उसको मैंने डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि राजमा मेरे पास थोड़ा सा ही बचा था। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाना शुरू करते हैं खाना। और आज ना ये वाली आँख एकदम रेड रेड हो गई है आजकल ना, जिधर देखो जिसकी ही आँख दर्द कर रही है। बच्चों के स्कूल में आप लगा लो कि आधे से ज़्यादा बच्चे ना चश्मा लगा के आते हैं आजकल। और जैसे हॉस्पिटल जाओ तो बाकी के लोग तो कम रहते हैं, आँख दर्द के ना मरीज ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, या नहाते टाइम हो गई होगी या दर्द करने वाली होगी, तो पता चल जाएगा कल तक में। अभी चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि राजमा बनाने में ना टाइम भी लगता है थोड़ा सा उसमें। तो यहाँ पास राजमा ना अच्छे से फूल गया था, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। बस मैं इसको रख देती हूँ बॉयल करने के लिए। और दाल भी ना बहुत अच्छे से फूल गई है, और मैंने रख दिया एक साइड राजमा बॉयल होने के लिए, दूसरी साइड इसके तड़का लगाने के मैंने तैयारी कर ली है। तो तड़का मैं जैसे कि हमेशा बनाती हूँ ये चीज़ें, वैसे ही लगाई। पहले थोड़े से मैंने गरम मसाले डाल दिए, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया, साथ में मैंने डाल दी मिर्च कटी हुई, और बस इसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी बारीक कटी हुई, और इसको ना अच्छे से इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अगर प्याज पिसी होती है तो मतलब थोड़ा सा कम वक्त लगता है, ऐसे में थोड़ा सा लगेगा टाइम। पर चलिए फटाफट से बनाते हैं। और टमाटर कट कर लेती हूँ, टमाटर मेरे पास 2 ही बचे हुए थे, शाम को जाएंगे सब्जी लाने के लिए, तो फिलहाल के लिए अभी तो 2 ही हैं। तो जल्दी से इसको भून लेते हैं, और फिर एक साइड चावल बनने के लिए भी रखना है। और जैसे कि बताया कि टाइम 12 बजे के आसपास का था, तो सब तैयारी करते करते ना तो आधे घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। बस मैं यहाँ पास चेक कर रही थी राजमा कि बॉयल हुआ है या नहीं, साथ में उसी में मैंने 2 आलू भी डाल दी थी, क्योंकि आलू चाहे अब राजमा बनाओ चाहे छोले बनाओ ना, तो उसकी ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए तो राजमा आलू डालना ही पड़ता है। यहाँ राजमा ना बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है, क्योंकि पहले ही अच्छे से फूल गया था। बस इसकी ग्रेवी फटाफट से रेडी कर लेती हूँ, और यहाँ राजमा बन के ना रेडी हो गया। धनिया की पत्ती नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए कलर ना थोड़ा सा फीका आ रहा है। तो इसमें ना मैंने फालतू के कोई भी मसाले नहीं मिलाए हैं, बस थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, बाकी के कोई भी मसाले ऐड नहीं करें। सिंपल सा है, क्योंकि डेली का हम मसाले खाएंगे वो भी नुकसान ही करते हैं। इसके बाद खाना पीना हमारा हो गया है, बच्चे अभी फ़िलहाल खा ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी मैं कर लूँगी तो ठीक है, फिर थोड़ा सा लेट जाओ ना, इसके बाद फिर कोई काम करने का मन नहीं करता। और साथ ही साथ अभी पानी भी चलेगा, तो हम जो एक्स्ट्रा पानी फिल्टर करके रखते हैं वो बाकी के मैंने बॉटल्स भर लिए, 3 रह गए हैं, तो इनको भी मैं भर लूँगी। और चलते हैं जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेते हैं, और सुबह के बर्तन अभी रखे हुए हैं जाली में, तो उनको भी लगाना है। इसके बाद ये शाम का टाइम है, करीब 5 बजे के आसपास का होगा, 5 बजे से ना ज़्यादा का ही टाइम होगा। तो यहाँ पास मैंने अपने लिए रख दिया था चाय बनने के लिए, जिस बच्चों ने बोला कि हमें भी कुछ खाना है, तो यहाँ पास मैं बच्चों को सिंपल मैगी बना दूँगी। मतलब जैसे न्यूज में देखते हैं कि यहाँ बारिश। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के टाइम हो चुका है 7:30,
तो चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी गई थी मार्केट सब्जी वाजी लाने के लिए, तो वो भी बैग में रखी है, जस्ट उसको भी अभी निकालना है। और खाने में बनाऊंगी दाल मखनी। तो सुबह जो काली दाल होती है मैंने भिगो दिया था, तो अच्छे से फूल गई है पूरे दिन में, क्योंकि उसको टाइम लगता है। और सब्जी लेके आई थी तो बैग में रखी है, बाकी का मैंने टेबल में निकाल के रख दिया है। तो चलिए चलते हैं किचन में, चुराते हैं खाना भरने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ दाल बॉयल करने के लिए। तो दाल को अच्छे से ना दो तीन बार वॉश कर लिए हैं, और बस इसमें नमक और हल्दी डाल के मैं रख दूँगी उबालने के लिए। तब तक मैं इसकी तैयारी करूँगी। साथ ही साथ सब्जी भाजी लेके आई थी तो निकाल के मैं रख दूँगी। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं दोपहर के, तो साथ ही साथ ना उनको भी मैं लगा दूँगी जाली में अभी फ़िलहाल, क्योंकि पूरा ना काउंटर का पूरा भरा हुआ, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि फुल हो चुका है। इसके बाद थोड़ी बहुत तैयारी करी दाल वाल तड़का लगाने की, और साथ ही साथ ना आटा लगा के मैं पहले से ही रख देती हूँ, क्योंकि बाकी के दाल फ्राई रह जाएगी करने के लिए, और साथ में रह जाएगा सब्जी बनाने के लिए। सब्जी के लिए मैंने भिंडी धुलाई करके रखना है अभी फ़िलहाल, और पहले तो आटे वाला काम ख़त्म करते हैं। इसके साथ भिंडी की धुलाई कर दी हूँ, और भिंडी का तड़का और दाल मखनी का तड़का मैंने दोनों रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर 2-3 चम्मच मैंने घी लिया है, और साथ में थोड़ी सी मैंने मिर्च ली है, प्याज को अच्छे से भून लिया है, और टमाटर की मैंने प्यूरी रेडी कर ली है। उसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने रेडी कर लिया था टमाटर के ही साथ, और अच्छे से पका लेना है, क्योंकि टमाटर को पीस के डालते हैं ना तो उसका एक अपना कलर आ जाता है, कट काट के डालने से नहीं आता। इसके बाद मैंने दाल जो बॉयल करके रखी थी वो डाल दी है, और इसको अच्छे से ना मिक्स करना है। साथ साथ ही मैं इसका ना मिनी ब्लॉग भी बना रही थी, तो जो कि मिनी ब्लॉग या शॉर्ट्स वीडियो में आएगा। तो दाल बन चुकी है, दूसरी साइड सब्जी रख दिए हैं पकने के लिए, और दाल में लगाते हैं तड़का। तो बटर ले लिया है, थोड़ा सा जीरा और लाल वाली मिर्च, साथ साथ मैं तड़का लगा दिया, धनिया की पत्ती डाल दी। इसके बाद जो घर की फ्रेश मलाई रखी हुई थी ना, तो उसको मैंने डाल दिया, तो दाल मखनी बन के ना रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब फटाफट से बनाते हैं रोटियाँ। सब्जी बन चुकी है भिंडी की, साथ ही मतलब सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ बस मैं रोटियाँ बना बना के गरम गरम तीनों लोगों को खाना देती जाऊँगी। ऐसे में क्या है ना कि अपना काम जल्दी निपट जाता है। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, और सबकी ना फरमाइशें करते करते सुबह किसी को कुछ और चाहिए खाने के लिए, फिर शाम को बच्चे को कुछ चाहिए, तो ऐसे ही सबकी फरमाइशें पूरी करते करते ना शाम से सुबह, फिर से सुबह शाम हो जाती है, और हमारी छुट्टियाँ कभी होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी ड्यूटी ही ऐसी है कि मतलब 24 घंटे वाली, और इसमें कोई ना पेमेंट है ना कोई कुछ है। तो चलिए, पर हाँ अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, अपने घर के लिए सबके लिए। और इसके बाद ही नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है सुबह की, तो बच्चों के है स्कूल, तो यहाँ पास मैं फटाफट से बना रही हूँ पोहा। टाइम बताऊँ तो 6:15 का टाइम हो गया है, और मैं पहले ही जग गई थी, बस मैं पानी वानी लेके गई गरम करके पीने के लिए। और जैसे पोहा बनाना था, पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसके लिए ना पहले से किचन में आने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है ना कि आप किचन में आके बैठना, पहले से फालतू का टाइम वेस्ट करना से कोई ज़रूरी है नहीं। बस यहाँ पर मैंने पोहा निकाल दिया है, तड़का मैंने लगा दिया है, बस फटाफट से ना पोहा मैं लास्ट में ही भिगोंगी। पिछली बार जैसे हमने पोहा बनाया था तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत जल्दी फूल जाता है वाला पोहा जो मैं लेके आया हूँ इस बार ना। आप इसको एक बार धुलाई करके और बस आपको छान के रख देना है, इतने में ना वो अच्छे से फूल जाता है। पहले फुला के रखेंगे ना तो फिर गीला हो जाता है। तो बस यहाँ पास मैंने डाल दिया है पोहा, अच्छे से ना इसको भून लेती हूँ, ताकि नमक जो भी सारी चीज़ें ना आपस में अच्छे से मिल जाए। तो गैस स्लो करके धीरे धीरे, फिर इस पर लास्ट में मैंने डाल दिया 1 पैकेट मैगी मसाला। और बस इस ब्लॉग को यहीं पास खत्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।